बीते लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार ने अपनी सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए जमकर प्रदर्शन किया। बता दें, सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी के साथ था। चुनाव में मनोज तिवारी ने 8,24,451 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि कन्हैया कुमार को 6,85,673 वोट ही मिल पाए। उम्मीद की जा रही थी कि कन्हैया कुमार इस बार कांग्रेस की जीत का बिगुल बजाएंगे, लेकिन ये हो न सका। यही नहीं, कांग्रेस के उत्तर पश्चिम से उम्मीदवार रहे उदित राज भी कुछ कमाल ना दिखा सके। इस सीट पर बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया ने 8,66,483 वोट हासिल किए, जबकि दूसरी ओर उदित राज को 5,75,634 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं बात करें चांदनी चौक सीट की, तो यहां बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल को 5,16,496 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल को 89,325 वोटों से पटकनी दी। बता दें, इस चुनाव में जयप्रकाश अग्रवाल को 4,27,171 वोट मिले। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के चलते कांग्रेस के खाते में यही 3 सीटें आई थी। इन 3 सीटों में से किसी भी सीट को जीतने के लिए पार्टी सफल नहीं हो सकी। अब इस हार का ठीकरा पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी पर फोड़ा गया है। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली में हार की समीक्षा के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने दिल्ली के 3 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी हार के कारण बताए हैं। कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवारों की ओर से हार का कारण आम आदमी पार्टी को बताया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे उदित राज, जेपी अग्रवाल और कन्हैया कुमार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के आगे आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी अपने वोट ट्रांसफर कराने में विफल रही है। तीनों नेताओं ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये भी बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि तीनों उम्मीदवारों ने ही कांग्रेस कैडर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसी वजह से उम्मीदवारों को कांग्रेस कैडर की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि तीनों उम्मीदवारों को ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी ही उनकी जीत सुनिश्चित कर देगी। गौरतलब है, गठबंधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। गठबंधन में कांग्रेस को उत्तर पश्चिमी दिल्ली, चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी सीट मिली थी। पार्टी ने उत्तर पश्चिमी सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री उदित राज, चांदनी चौक से पूर्व सांसद और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके जेपी अग्रवाल, इसी के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तीनों ही उम्मीदवारों को बड़े अंतर के साथ हार का सामना करना पड़ा।